हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 13D। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन ऐड, आपको इन्हें ऐड करना है। ए पार्ट, इट इज गिवन 5 years, 8 months, 11 years, 9 months। आपको 5 years, 8 months and 11 years, 9 months को ऐड करना है। इट इज सिंपल एडिशन, so 8 plus 9, 17, it will be 17 months and 5 plus 1, 6 and it is 16 years, so here it is 16 years 17 months। okay, now as we know कि जो हमारा 12 months होते हैं, 12 months ये हमारा 1 year की equal हो जाएगा। so months की जो भी unit होती है, जैसे में 11 से 12 months होती है, वो 1 year के equal हो जाएगी। इट मीन्स वो जैसे 12 मंथ्स होगा वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम जो मंथ्स की वैल्यू हो सकती है वो 11 हो सकती है। जैसे 12 मंथ्स होगा वो 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा, वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 12 मंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना पर आएगा, 7 - 2, 5 and 1 - 1, 0, इट विल बी 5 months। ओके, एंड जब ये हम 12 मंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 मंथ जब ईयर के पास जाएगा तो 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा। ओके, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 मंथ्स जो है 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पे MDY होगा, 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा। ओके, 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा। सो 12 मंथ जब ईयर के पास जाएगा तो 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ओके, सो यहां पे ये 1 ईयर की इक्वल हो जाएगा, तो ईयर्स में 1 ऐड हो जाएगा। सो 16 में 1 ऐड के कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 इट इज 1 17 हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा 17 इयर्स 5 मंथ्स। ओके, सो ऑन एडिंग 5 इयर्स 8 मंथ्स, 11 इयर्स 9 मंथ्स, विल गेट 17 इयर्स 5 मंथ्स। ओके, नाउ लुक एट सी पार्ट, इट इज गिवन 2 वीक्स 4 डेज प्लस 1 वीक 8 डेज। अब आपको ऐड करना है 2 वीक्स 4 डेज को 1 वीक 8 डेज को। फर्स्ट विल ऐड 4 plus 8, 12, it will be 12 days and 2 plus 1, 3, it will be 3 week. So 3 week and 12 days, it will be 3 weeks. 3 weeks, 12 days. Again look at, जो आपके 7 day होते हैं, ये किसके equal होते हैं, ये आपके 1 week के equal होते हैं। 7 days जो होते हैं वो 1 week के equal होते हैं। तो it means जैसे ही आपका डेज में 6 से 7 days होगा वो 1 week के equal हो जाएगा, means जो days होंगे वो आपके week में convert हो जाएंगे। ओके, बिकॉज 1 वीक में 7 डेज होते हैं, सो इट मींस वी कैन से कि डेज की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 6 डेज। हाउ मच, 6 डेज, जैसे 7 डेज होंगे वो 1 वीक के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहां से 12 डेज से 7 डेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस 1 वीक को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, बिकॉज डेज में जैसे ही 6 से 7 डेज होते हैं वो 1 वीक के इक्वल हो जाते हैं। सो हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लुक एट 2 is smaller than 5, so we'll borrow 1 time from 1. तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 minus 7, 5, यहाँ पे 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा. So it will be 5 days. अब जब ये days, हमने 7 days subtract किया, और ये week के पास जाएगा, तो 7 days जो होगा, वो 1 week के equal हो जाएगा, because 1 week में 7 days होते हैं. So ये 7 days week के पास जाएगा, तो 1 week के equal हो जाएगा. So इसमें week में 1 week add कर लेंगे. 3 plus 1, 4. So it will be 4 weeks, 5 days. Okay? So on adding, we'll get 4 weeks, 5 days. Okay? Then, look at question number 2. It is given subtract. This time you have to subtract. Subtract karna hai aapko. A part, it is given 16 years, 9 months and 5 years, 11 months. Okay? Look at, we cannot subtract 11 from 9 months because 9 is smaller than 11. So we'll borrow from years. हम लोग ईयर से बोरो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बोरो करेंगे, तो अगर हम 1 ईयर बोरो करेंगे तो 16 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 15 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देन 1 ईयर हम लोग बोरो करेंगे, मंथ्स के पास जाएगा, और ईयर जैसे ही 1 ईयर मंथ्स के पास जाएगा सो ये 12 मंथ्स के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो ये 1 ईयर जो हमने बोरो किया, जब ये मंथ्स के पास जाएगा तो 12 के इक्वल हो जाएगा, 12 मंथ्स के इक्वल। सो ये 12 मंथ्स और 9 ऑलरेडी मंथ्स गिवन थे, तो 12 प्लस 9 ये हो जाएगा 21, इस 9 को हम लोग कैंसिल कर ले, यहां पे 21 आ जाएगा। नाउ विल सबट्रैक्ट, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, ये हो गया 10 मंथ्स। हियर इट विल बी 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 सॉरी यहां पे सिर्फ 1 है, 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। सो इट विल बी 10 इयर्स 10 मंथ्स। ओके, सो ऑन सबट्रैक्टिंग विल गेट 10 इयर्स 10
months. Then look at B part. It is given 8 weeks 3 days minus 4 weeks 4 days. First we'll subtract. Look at, we cannot subtract 3 from 4. Sorry, 4 from 3 because 3 is smaller than 4. अगेन हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे. यहां पे वन वीक बोरो कर लेंगे. सो बोरो करने पे यहां पे क्या बचेगा, 8 माइनस 1 7, यहां पे 7 बचेगा. देन जब हम वीक बोरो करेंगे, वन वीक बोरो करेंगे, डेज के पास जाएगा तो ये 7 डे इक्वल हो जाएगा बिकॉज इन वन वीक 7 डेज आर देयर. ठीक है, वन वीक में 7 डेज होते हैं. सो ये वन वीक बोरो होने के बाद जब डेज के पास जाएगा तो 7 डेज इक्वल हो जाएगा और ये 3 डेज ऑलरेडी गिवन है. So 7 प्लस 3 ये हो जाएगा 10 डेज. सो 3 को कैंसिल कर लेंगे, यहां पे 10 हो जाएगा. नाउ वी सबट्रैक्ट अगेन, वी कैन नॉट सबट्रैक्ट बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 4. सो 110 बोरो करेंगे इस 1 से, यहां पे 0 बचेगा, यहां पे 10 हो जाएगा. 10 माइनस 4 6. अब यहां पे 110 बोरो करना 0 बचा था, यहां पे 0 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 6 डेज. हियर इट विल बी 7 माइनस 4 3. सो इट विल बी 3 वीक्स. सो द आंसर विल बी 3 वीक्स 6 डेज. ओके, look at the next question. It is, a child is asked to complete two assignments in 4 weeks. He completed the first assignment in 2 weeks 3 days. How much time is left for him to complete the second assignment? It means एक child, एक बच्चे को कहा गया कि उसको 2 assignment complete करना है 4 weeks में. Okay, and उसने फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट किया 2 weeks 3 days में. सो आपको फाइंड आउट करना है कितना टाइम लेफ्ट, मींस अभी कितना टाइम बचा है इसके लिए सेकेंड असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो इट इज वेरी इजी. हियर वी आर गिवन अ वर्ड लेफ्ट, और जब भी वर्ड आता है लेफ्ट, इट मींस होता है कितना बचा हुआ है, और इसके लिए हम लोग ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो टोटल टाइम था उसके 2 असाइनमेंट का, दैट इज 4 वीक्स, उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे टाइम जो उसने फर्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करने में लगाया है, दैट इज 2 वीक्स 3 डेज. सो हमें पता चल जाएगा कि अभी सेकेंड असाइनमेंट के लिए हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. ओके, सो ये विल राइट डाउन, टोटल टाइम टू कंप्लीट 2 असाइनमेंट, इट इज गिवन 4 वीक्स. टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द फर्स्ट असाइनमेंट, और फर्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज गिवन 2 वीक्स 3 डेज. So now find out time left to complete the second assignment. Second assignment को complete करने के लिए कितना time बचा? It is very simple. Total time that was given 4 weeks and we will write here 0 days. Okay, now here we will write down time left. Sorry, time taken to complete first assignment. जो first assignment को complete करने के लिए जो time लगा है वो कितना था? 2 weeks 3 days. Now subtract. Okay, that is why here we have considered 0 days because here it is given 3 days. So we cannot subtract 3 from 0. So we'll borrow 1 week from here. यहाँ से लो 1 week borrow करेंगे. So 1 week borrow करेंगे यहाँ कितना बचेगा? Here it will be 3 weeks. ये आपका 3 weeks हो जाएगा. Okay. Then जब ये 1 week इस day के पास हम लोग days के पास borrow करेंगे, then ये 1 week जो ये 7 डेज इक्वल हो जाएगा बिकॉज 1 वीक में 7 डेज होते हैं. ओके, सो ये जो 1 वीक जब हम डेज के पास फॉरवर्ड करेंगे, इसको बोरो करेंगे, ठीक है, जब बोरो करेगा डेज वीक को, सो 1 वीक जो होगा वो डेज के पास जाके 7 डेज इक्वल हो जाएगा बिकॉज 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. सो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 0 7 प्लस 0 7 ही हो जाएगा. सो हमें टोटल डेज हो जाएंगे 7. ओके, नाउ विल सबट्रैक्ट 7 माइनस 3 गेट 4. हियर इट विल बी 4, इट इज 4 डेज. Here it will be 3 minus 2 1, so it will be 1 week. So the answer will be 1 week 4 days. It means the time that will be left to complete the second assignment will be 1 week 4 days. ठीक है, जो second assignment है उसको complete करने के लिए जो time बचेगा, that will be 1 week 4 days. Okay, so we can write, so time left for second assignment is 1 week 4 days. Okay. Now in the next video, I'll explain the rest questions of this exercise 10D. Okay? Thank you.